हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन स्ट्रिप के ऊपर। आज के हमारे वीडियो का जो टाइटल है उसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? यूनेस्को के द्वारा किसी एक प्राचीन धरोहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया जाता है और इसके लिए यूनेस्को उस साइट को 4 से 5 साल तक कंसीडर करता है और उसको देखता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाने के योग्य है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग जब वो इस चीज से सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाने के योग्य है तो वो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर अप्रूव कर देता है। आफ्टर अप्रूविंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जब वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है तो यूनेस्को उसको चलाने के लिए और उसके रखरखाव के लिए गवर्नमेंट को एड भी देता है। इसका फायदा हमें टूरिज्म सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा ये होता है कि जब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में कोई लोकेशन आ जाता है तो फिर वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो फेमस हो जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग वहां पे उस जगह को देखने के लिए आते हैं तो जिससे जो लोकल टूरिज्म होता है वो ग्रोथ होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का इम्प्रूव्ड होता है और लोगों का जो आर्थिक जीवन यापन है उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी अपग्रेड होता है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वे इन इंडिया, भारत में अप्रोक्सीमेटली 33 to 34 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनमें से कुछ एक अंडर कंसेंट्रेशन है। मेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आगरा का ताजमहल, कोणार्क टेम्पल, हिमाचल के अंदर अगर हम बात करें तो कालका शिमला टॉय ट्रेन और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आते हैं। इंडिया के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और मैनमेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।